Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यदि होता कभी मैं तो हाथ में कागज कलम होता, बदन पर सड़ियल सा कुर्ता पजामा, माथे पे टेंशन होता। यदि होता कभी मैं, साधारणतः सभी कवियों की ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसे कवि देखे हैं। कभी किसी बंद कमरे में तो कभी किसी गार्डन में बैठ के सिगरेट के सुट्टे लगाया होता, और कभी किसी कन्या की उपमाएं बनाया होता। यदि होता कभी मैं लिख लिख के फिर मिटा मिटा कविता को पूरा किया होता, और किसी तरह कविता को पूरा लिख के किसी संयोजक के हाथ पैर जोड़ा होता कि भैया एक मौका तो दे दो, भाई एक मौका दे दो। संयोजक ने भी तरस खा के किसी तरह मुझे एक मौका मुहैया कराया होता, मौका पाके मेरा सीना चौड़ा हो गया होता। आके मंच के पैर छू के मंच पर कविता पाठ किया होता, कविता पाठ करते करते बीच में एक महोदय लट्ठे लेके खड़ा हुआ होता, जिसको देख के मेरा मन घबराया होता। अब हलक अंदर और बाहर, कुछ ना कह पा रहे ना सुन पा रहे, गला सूख रहा है, क्योंकि महोदय उठ के लट्ठे लेके सामने से आ रहे हैं। महोदय बोलेगा, भाई साहब आप चिंता नहीं करो, आप अपनी कथा, आप कहानियां जो कुछ भी है वो पूरी बोलो, मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। आनन फानन में किसी तरह कविता पाठ पूरा किया होता, आनन फानन में किसी तरह कविता पाठ पूरा किया होता, और संयोजक से पारिश्रमिक की गुजार किया होता। संयोजक ने भी मुझे बिना पारिश्रमिक दिए भगाया होता, जिसको देख मेरा मन घबराया होता, और पत्नी जी का गुस्सा मन में समाया होता कि आप घर में जाएंगे तो क्या होगा भाई, पारिश्रमिक तो मिला नहीं है, घर में कुछ खाने को था नहीं। ऐसे कवियों को विचारों की बड़ी स्थिति, हालांकि सबकी नहीं होती है। तो अब वो कवि वर्ग के मन में समाया है बीवी का गुस्सा कि आप घर कैसे जाएं, तो वो घर जा रहे हैं, मन में ये बात भरी हुई है कि बीवी का गुस्सा समाया होता। वो घर की स्थिति क्या थी कि कुछ ना होने की वजह से बीवी और बच्चा घर में भूखा सो गया होता। अब जब कभी बार घर पहुंचा होता तो घर की यह स्थिति देख के उसका मन, अंतर मन ने, आत्मा ने झकझोरा होता, और उसको झकझोर के कहा होता कि ए कभी तू लिख कुछ ऐसा लिख, यहां से बदलाव है, ए कभी लिख तू कुछ ऐसा लिख कि इस देश का कायाकल्प हो जाए, घर घर में हो खुशहाली और अमन चैन आ जाए, भेदभाव को छोड़ सभी एक सूत्र में बंध जाएं, और हमारा देश महान एक महाशक्ति बन जाए।